हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश एडिट्ज। तो आज की इस वाली वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की पबजी न्यू स्टेट फोटो एडिटिंग। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच करें। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि मैंने इस फोटो को कैसे एडिट किया। तो इस एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलते अपनी इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा बैकग्राउंड। तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड को अपने पिक्सआर्ट ऐप में ओपन कर लेना है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया पहले से ही, आप भी ओपन कर लेना। उसके बाद हमें यहाँ से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो लूट बॉक्स का पीएनजी है इसको ऐड कर लेना है। तो इस एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ होगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको ऐड करने के बाद हमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो इसको हमें बड़ा करने के बाद इसको नीचे में लगा लेना है, ऐसे इधर लगा लेना ऐसे। इसके बाद हमें इसको इरेज पर चले जाना है। इरेज में जाने के बाद इरेज में जाना, हार्डनेस को कम कर देना, साइज को हल्का सा बढ़ा देना, उसके नीचे नीचे साइड से इरेज करना है। तो जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ वैसे आप भी इरेज कर लेना। इतना इरेज करने के बाद हमें डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से डन पे क्लिक कर देना है। ये लग जाएगा गाइस परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पर हमें ऐड फोटो में फिर से जाना है। अब यहाँ पर हम पीएनजी ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो तार का पीएनजी है हमें इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको हमें फ़ोटो के राइट साइड में ऐसे लगा लेना है। तो इसको आप छोटा करके यहाँ पर लगा लेना। उसका हमें लेफ्ट में भी चाहिए तो हमें इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है। डुप्लीकेट में क्लिक करने के बाद इसको हमें फ़ोटो के लेफ्ट साइड में लगा लेना है। तो आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा रख सकते हो, मेरे को छोटा करके यहाँ पर लगा लेना इसको। तो मैं इसको छोटा करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे तो ये भी लग जाएगा परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पर हमें ऐड फोटो में जाना है। अब यहाँ पर हमें गन का जो पीएनजी है, ये वाला गन है, हेलमेट और बैग है शायद, तो हमें इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको लूट बॉक्स के ऊपर में रख लेना है ऐसे। तो यहाँ पर रखने के बाद अब यहाँ पर हमें डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमें ऐड फोटो में फिर से जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद अब यहाँ पर गाइस जो टेक्स्ट का इमेज है, ये वाला दो टेक्स्ट के इमेज है, इसको हम दोनों को सेलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो ये वाला फर्स्ट का जो इमेज है इसको हमें छोटा करना है। छोटा करने के बाद हमें फ़ोटो के यहाँ पर लेफ्ट में लगा लेना है, यहाँ पर कॉर्नर में। अब यहाँ पर इसका ब्लेंड पे चले जाना है। ब्लेंड में जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ये परफेक्ट तरीके से लग जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वाला सेकेंड इमेज है इसको हमें ऊपर में लगाना है यहाँ पर। तो उसका ब्लैक बैकग्राउंड को हटाने के लिए ब्लेंड पे चले जाना है। ब्लेंड पे जाने के बाद इसको लाइटन कर देना है। लाइटन पे करने के बाद हमें इसको यहाँ पर इसे ऊपर में लगा लेना है। तो यहाँ पर लगाने के बाद हमें डन पे क्लिक कर देना है। तो डन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर हमें गाइस अपने फ़ोटो को ऐड करना है। तो ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पर अपने मॉडल के फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज करके रखा है। तो आप अगर आपको इरेज करना नहीं आता तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको ऐड करने के बाद इसको हमें यहाँ पर लूट बॉक्स के ऊपर में रखना है। इसे यहाँ पर रखने के बाद हमें यहाँ पर इसको डन पे क्लिक कर देना है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, उसके बाद रख लेना। तो यहाँ पर इतना रखने के बाद अब यहाँ पर हमें पाँव के नीचे पर शेडो बनाना है छोटा सा। तो ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाएंगे फिर से। अब यहाँ पर हम ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हार्डनेस को पूरा ज़ीरो कर देंगे और ओपेसिटी को हल्का सा कम करेंगे, साइज़ को भी हल्का सा कम करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हल्का ड्रॉ करना है। तो इतना ठीक लग रहा है, उसको डन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ऐड फोटो में जाना है और एक धूल का पीएनजी है और एक लाइट का पीएनजी है, इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है। तो ये रहा धूल का पीएनजी और ये रहा लाइट का पीएनजी, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो धूल का पीएनजी है इसको हमें नीचे में लगा लेना है इसे। तो इतना परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पर लाइट वाला जो पीएनजी है इसको हमें ब्लेंड पे चले जाना है। ब्लेंड में जाने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसको फोटो के राइट साइड में ऐसे लगा लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। तो हमारे सारे पीएनजी लग चुके हैं गाइस परफेक्ट तरीके से। अब यहाँ पर हम इसका कलर को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर टूल में जाएंगे, टूल में क्लिक करने के बाद एडजस्ट में जाएंगे। एडजस्ट में जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को बढ़ा देंगे और सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ाएंगे, इसको 20 के आसपास रख लेंगे। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आप सेचुरेशन ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा रख सकते हो। तो मैं इसको 20 के ऊपर रखूँगा।
इतना करने के बाद हमें हाईलाइट पे जाना है, हाईलाइट को हल्का सा कम कर दूंगा, उसके शेडो में चले जाना है, शेडो में जाने के बाद हल्का सा आपको थोड़ा सा माइनस में कर लेना है। उसके बाद नीचे आ जाना है टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर को आपको अगर ब्लू टोन चाहिए तो माइनस में कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा वार्म टोन चाहिए तो आप ऊपर बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको हल्का सा माइनस में करूँगा, तो -19, इतना करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, हमारा सारे PNGs लगने के बाद हमारा इमेज रेडी हो चुका है। अब इस फोटो को हम लोग सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए ड्रॉ टूल में जाएंगे, ड्रॉ में जाएंगे और लेफ्ट में 3 डॉट दिख रहा है, इसमें क्लिक करने के बाद सेव इमेज कर देंगे, तो आपका फोटो यहाँ पर HD में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये वाला एडिटिंग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।